बहुत बढ़िया काम है। फिलहाल में पालघर जिले का नक्शा बदल हो जाएगा इस बार बंदर बंदर आने के बाद। जैसी एक नई मुंबई खड़ी है, सेम नई मुंबई यहाँ खड़ी हो जाएगी। हम लोग इस प्रोजेक्ट से इतना खुश हैं, इतना खुश हैं कि अब हम बयान नहीं कर सकते हैं। पूरे पालघर जिले का नक्शा इस प्रोजेक्ट से पूरे पालघर जिले का नक्शे का बदल हो जाएगा। इसमें मतलब ये जो आ रहा है वार्ड बंदर, इसमें कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लाखों ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा। ये रोजगार के लिए बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है। हमारे पालघर जिला वाले वासियों के लिए आज खुशी का दिन है, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मोदी जी आकर यहाँ पे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। इस प्रोजेक्ट से पूरे पालघर जिले का नक्शे का बदल हो जाएगा। पालघर जो आदिवासी पिछड़ा भाग माना जाता था, वो आने वाले समय में हम मुंबई को मात देने वाले हैं। हमारी भविष्य में मांग है कि यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण हो। काफी आने वाले दिनों में हमारे पूरे पालघर जिले का नक्शा ही बदल जाएगा, हमारी ये अपेक्षा है सरकार से। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे एयर बंदर होएगा तो मुंबई के हम तो लोग कनेक्ट है ही, लेकिन अभी मुंबई ही बन जाएगी, सेकंड मुंबई इधर बन जाएगी हमारे एरिया में। नहीं, हमारे इधर ही अभी रोजगार पैदा होएगा। मोदी जी कह रहे हैं अपने हमारे इधर 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और ये एरिया भी डेवलप हो जाएगा। बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, ये आदिवासी एरिया कहते हैं इसको। हमारे डिस्ट्रिक्ट को तो आदिवासी डिस्ट्रिक्ट ही कहते हैं। तो अभी ये डेवलप हो जाएगा ये बंदर की वजह से।